अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेटेस्ट एजुकेशन एंड नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम मैथमेटिकल मेथड 2 का लेक्चर नंबर 22 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मेथड से रिलेटेड एक बहुत ही अहम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने इससे रिलेटेड बहुत ही अहम क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस ये उन क्वेश्चन से क्या है मुख्तलिफ है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि सॉल्व द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। और हमारे पास वो कहता है कि इंटीग्रल वोल्टेरा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड काइंड की मदद से जो है ना इस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करें। मीन हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है, वो कहता है कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, इनके सेकंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को इस्तेमाल की मदद से इस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करें इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मेथड की हेल्प से। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है उसको हम लिख लेंगे एज गिवन दैट यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x प्लस 0 से x डी माइनस एक्स यू ऑफ डी डी। अगर आप गौर करें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -0 से x एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की ऑफ सेकंड काइंड की, वो क्या है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा 0 से x के ऑफ एक्स माइनस टी सॉरी के ऑफ एक्स कॉमन टी फाई ऑफ टी डी टी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 है, इनको हम कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ से यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है 1 - x के, और जो हमारे पास कर्नल है कि एफ एक्स को मटी इसमें क्या है एक्स माइनस टी दिया गया है। और हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो के एफ एक्स है वो यहाँ पे कर्नल के एफ एक्स को मटी किसके इक्वल था एक्स माइनस टी के, और हमारे पास जो के एफ एक्स है वो किसके इक्वल है एक्स के। अब हम क्या करेंगे, इन पे सब पे क्या अप्लाई करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल क्वेश्चन है तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मेथड का दूसरा वाला मेथड कौन सा, लैपलास ट्रांसफॉर्म मेथड वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मेथड है उसके दो मेथड हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म और लैपलास ट्रांसफॉर्म। जब हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल क्वेश्चन होती है तब हम लैपलास ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज़ करते हैं, जब हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब हम क्या करेंगे, इस पर लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस पर अप्लाई करेंगे तो वन का जो फैक्टर लैपलास होगा वो किसके इक्वल होगा 0 factorial ओवर एक्स की पावर 0 + 1, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉन्स्टेंट की लैपलास होती है वो किसके इक्वल होती है 0 factorial ओवर एक्स की पावर 0 + 1, और एक्स की लैपलास क्या है 1 factorial ओवर एक्स की पावर 1 + 1। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स - 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। सिमिलरली इस तरह इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन। इसी तरह जब हम के ऑफ एक्स का लैपलास लेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा के ऑफ एक्स के, और इक्वल टू एक्स की लैपलास क्या आ जाएगी 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि जो सोल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इज गिवन बाय, यानी कि जो हमारे पास जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसका जो सोल्यूशन होता है उसका फाइंड करने का एक मैथ यानी कि फार्मूला है वो क्या है वो देखते हैं। किसी भी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का जो सोल्यूशन फाइंड करने का फार्मूला है वो क्या है, यू एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन पोल्स रेजिड्यू एफ ऑफ एस ओवर 1 - λ के एफ एस ई की पावर एस एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एस और के एफ एस की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने पीछे फाइंड किए हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो पीछे हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू थी वो -1 थी, आपने वो भी लिख लिया, वो मैंने लिखना भूल गया हूँ। तो यहाँ से आप जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ से एस स्क्वायर और एस स्क्वायर जैसे क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, एस माइनस वन ओवर एस का स्क्वायर प्लस वन ई की पावर एस एक्स। अगर आप यहाँ पे गौर करें, अगर आपने पोल्स और रेजिड्यू का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपको समझ यहाँ पे आ जाएगी कि यहाँ पे हमारे पास जो एस का स्क्वायर प्लस वन है वो किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो आयोटा माइनस आयोटा क्या होंगे, सिंपल पोल्स होंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू हमारे पास जो रेजिड्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, आर ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर एस प्लस ए
एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए ई की पावर एस एक्स। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है किसकी, रेजिड्यू की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम आयोटा का रेजिड्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम माइनस आयोटा का रेजिड्यू फाइंड करेंगे। आर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेज टू आयोटा एस माइनस वन, आर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेज टू आयोटा एस माइनस वन ओवर एस प्लस आयोटा ई की पावर एस एक्स एस माइनस आयोटा ओवर एस माइनस आयोटा। इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी मैंने लिमिट एस अप्रोचेज टू आयोटा एस माइनस वन ई की पावर एस एक्स ओवर एस प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा एक्स आयोटा माइनस वन ओवर आयोटा प्लस आयोटा। तो इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद आपने सिंपलीफाई कर लेना इसको, जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर आयोटा एक्स ओवर टू आयोटा। सिमिलरली जब इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे, रेजिड्यू ऑफ माइनस आयोटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एस अप्रोचेज टू माइनस आयोटा एस माइनस वन ओवर ई की पावर एस एक्स एस प्लस आयोटा ओवर एस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई एस प्लस आयोटा। इसमें हम क्या होता है कि जब एस माइनस वन फंक्शन ओवर एस माइनस आयोटा जिसके जिसका रेजिड्यू फाइंड कर रहे हैं ओवर ई की पावर एस एक्स, उसके साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी का कंजुगेट के साथ, डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं, जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए की पावर माइनस आयोटा एक्स सॉरी लिमिट एस अप्रोचेज टू माइनस आयोटा ए की पावर एस एक्स एस माइनस वन ओवर एस माइनस आयोटा। इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर माइनस आयोटा एक्स माइनस आयोटा माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, करने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग आएगा वो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर टू प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर टू आयोटा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि आर ऑफ आयोटा प्लस आर माइनस आयोटा किसके इक्वल होता है, जो ऑफ एक्स के हमारे पास यानी कि जो जनरल सोल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, आर ऑफ आयोटा प्लस आर ऑफ माइनस आयोटा, यानी कि जो हमारे पास आर ऑफ आयोटा का रेजिड्यू है और आर ऑफ माइनस आयोटा का रेजिड्यू है वो जनरल सोल्यूशन जो ऑफ एक्स इक्वल है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स। यहाँ से हमने क्या किया था, माइनस कॉमन लिया था, माइनस कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर टू ओवर टू। अगर आप देखें तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ एक्स के इक्वल होता है और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सोल्यूशन ऑफ वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर इस वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में।